गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गीता कल्याण फ्रॉम हार्वर्ड कॉन्वेंट स्कूल बागा पुराना, क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट कंप्यूटर। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस योर बुक वर्क, द लेसन नंबर 4। सो ओपन योर कंप्यूटर बुक एंड द बैक एक्सरसाइज ऑफ द लेसन नंबर 4। देयर आर द ब्लैंक्स, यू हैव टू चूज द करेक्ट वर्ड्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। आपने ऊपर दिए गए बॉक्स में से करेक्ट आंसर चूज करना है और फिल करना है। सो योर फर्स्ट इज ब्लैंक, देयर आर डैश एरो कीज ऑन द ब्लैकबोर्ड, सॉरी कीबोर्ड। कीबोर्ड के ऊपर आपकी जो कितनी एरोज कितनी हैं, इट्स 4। एरो कीज मूव द डैश अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, एरो कीज मूव द कर्सर, कर्सर को मूव करती हैं अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। नंबर 3, द इरेज लेटर टाइप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर वी यूज डैश कीज। इरेज लेटर करने के लिए हम लेफ्ट टू साइड जो कर्सर यूज करते हैं, We use the space bar key. Space bar key को हम use करते हैं। Number 4, dash is the longest key on the keyboard. जो सबसे लंबी key है keyboard के ऊपर, that is the space bar. Come to the next page. Write the first letter of each picture in the given to the name of these keys. आपने नीचे जो पिक्चर्स दिए हैं इनके ऊपर फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल लिखना है। सो फर्स्ट इज द एलिफेंट, सेकंड इज नेस्ट, नेक्स्ट टाइगर, एलिफेंट एंड रैबिट, डियर, एलिफेंट, लेमन, एलिफेंट, टेबल एंड अगेन एलिफेंट। A for apple, R for rabbit, R for rabbit, O for owl, and W for watch. N for nest, U for umbrella, M for monkey, B for bag, and E for elephant, and R for rose. So the next are your question answers. Which key do we use to erase the letter type on the right side to the cursor? जो right side से cursor है, लेटर अरेज करने के लिए हम कौन सी की यूज करते हैं? इट्स अ बैक स्पेस की। सो योर आंसर इज अ बैक स्पेस की। क्वेश्चन नंबर 2, विच की मूव्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन भी हम रीच करने के लिए कौन सी की यूज करते हैं? इट्स एंटर की। सो योर आंसर इज अ एंटर की। नंबर 3 क्वेश्चन, नेम द 4 एरोज की, जो 4 एरोज हैं दीज आर अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, दिस इज द नेम ऑफ द एरोज। क्वेश्चन नंबर 4, वट इज द यूज ऑफ द स्पेस बार, स्पेस बार की जो यूज है वो क्या है? दिस इज द यूज टू गिव द ब्लैंक स्पेस बिटवीन वर्ड्स, दो वर्ड्स के शब्दों के बिटवीन जो हम स्पेस बनाते हैं, वी मेक द स्पेस विद द हेल्प ऑफ स्पेस बार की। नेक्स्ट इज द मैच द कॉलम्स, आपने मैचिंग करनी है। स्पेस बार यूज टू गिव द ब्लैंक स्पेस बिटवीन वर्ड्स, स्पेस बार की हम यूज करते हैं दो शब्दों के दरमियान स्पेस देने के लिए। नंबर की यूज टू टाइप नंबर्स, नंबर की का यूज करते हैं हम नंबर्स टाइप करने के लिए। एंटर की टू यूज द मूव टू द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, एंटर की का हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए। अल्फ़ाबेट की यूज़ द टाइप लेटर, अल्फ़ाबेट की यूज़ होती है लेटर्स को टाइप करने के लिए। एरो की यूज़ द मूव, यूज़ टू मूव द
कर्सर अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, एरो की जो है वो अप डाउन राइट लेफ्ट एरो यूज़ करने के लिए एरो की यूज़ की जाती है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द योर बुक वर्क ऑफ लेसन नंबर 4 ऑफ योर कंप्यूटर बुक। कंप्लीट योर बुक वर्क ऑन योर कंप्यूटर बुक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।